Hello everybody, welcome back. In this video we are going to cover science and technology for the month of February. Let us start. March का हम पहले कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ये फरवरी का है, ठीक है। पीएम मोदी ने अनाउंस किए थे 4 एस्ट्रोनॉट का नाम जो कि गगनयान मिशन के लिए ट्रेन होंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन, इट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी ऑफ इसरो। इसके अंदर क्या है, 3 लोगों का क्रू जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर पर स्पेस में। 3 दिनों के लिए ये मिशन रहेगा, वो वहां पर रहेंगे। तो क्रू ऑफ 3 मेंबर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर 3 डेज एंड ब्रिंग देम बैक सेफली टू द अर्थ। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इसरो ने 2007 में एक प्रोग्राम चलाया था, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया था, ये उसी का पार्ट है जिसमें एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है। इसको लॉन्च किया जाएगा बाय द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके लिए यूज किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पुराना नाम है GSLV मार्क 3। तो ये जो जीएस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसकी ह्यूमन रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या है, गगनयान के अंदर मैन्ड मिशन भी है और अनमैन्ड मिशन भी है। पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजे जाएंगे जिसमें व्योमित्रा रोबोट भेजा जाएगा, बाद में मैन्ड मिशन भेजा जाएगा। द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन विल बी गगनयान 1, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड क्रू स्कैप सिस्टम, इसके लिए क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ह्यूमन रेटिंग हो, जहाँ पे क्या है, ह्यूमन्स को बाहर स्पेस में ले जाना है तो वो ह्यूमन कंफर्टेबली जा पाएं, तो उसमें क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। टू प्रोवाइड एन अर्थ लाइक एनवायरमेंट टू द क्रू इन द स्पेस, क्रू इमरजेंसी एस्केप प्रोविजन इज देयर एंड ऑल्सो क्रू मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रू। तो इन अक्टूबर 2023 द इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द बेसिक क्रू मॉड्यूल एंड द क्रू एस्केप सिस्टम। व्हाट इज क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम है ये सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। एंड इसमें क्या है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो इसमें क्या है, सेफली क्रू को क्या है, जो लोग होंगे 3 लोग, उनको क्या है, सेफली लैंड कराया जाए कहीं पे भी। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल, गगनयान मॉड्यूल का पार्ट है, दैट इंश्योर दैट द क्रू इज टेकन टू अ सेफ डिस्टेंस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, आइदर एट द लॉन्च पेड और ड्यूरिंग द असेंट फेज, जब ऊपर जा रहा होगा तब और या फिर लॉन्च पेड के दौरान कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको सेफली क्रू को लेकर जाया जाए। नेक्स्ट इज क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम, क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम ये भी इसरो ने टेस्ट किया है। दिस सिस्टम इज यूज टू इंश्योर दैट द क्रू मॉड्यूल मेकिंग ए स्प्लैश डाउन इन द सी आफ्टर द स्पेस मिशन, जब वापस आ रहे होंगे तो उनको क्या है, लैंड भी कराना है ना, तो वो सी में क्या है, समुंदर में जो लैंडिंग होगी वो क्या है, व्हीकल पूरा वो सीधा खड़ा हो, ठीक है, वो डूब ना जाए। तो द क्रू द सिस्टम है वो पूरा स्टेट अपराइट खड़ा हो और वो इन्वर्टेड ना हो, तो उसके लिए क्या है, क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम की टेस्ट किया गया था, ये भी हो चुका है टेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें से रशिया का यूरी गागिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी क्या है, कुछ लोगों की ट्रेनिंग हुई थी एस्ट्रोनॉट की। देन इसरो और इसके लिए क्या है, इसरो और ग्लाव कॉस्मोस जो कि एक रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रोस कॉस्मोस, उसी की एक क्या है सब्सिडरी है ग्लाव कॉस्मोस, उसके बीच में एक एमओयू साइन हुआ था इसरो के साथ में, उसके बाद में क्या है ये इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो आपको याद रखना है कि रशिया में ट्रेनिंग हुई है, उसके अलावा नासा भी क्या है, कुछ 4 एस्ट्रोनॉट में से कुछ को, 1 of the 4 इज गोइंग टू बी ट्रेंड एट नासा। इसके अलावा इसरो की अपनी, जो हमारी भारत की अपनी क्या है, एस्ट्रोनॉट फैसिलिटी है, ट्रेनिंग फैसिलिटी है, करंटली दे आर अंडरगोइंग इन बेंगलुरु, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। नेक्स्ट इज CERN साइंटिस्ट कैरी आउट लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम इन अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, एंड इंटरनेशनल टीम ऑफ द रिसर्चर हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पॉजिट्रोनियम की क्या है, लेजर कूलिंग हुई है। तो एटम में क्या होता है, एटम में फ्रीक्वेंसी होती है ना, एटम में क्या है, मॉड्यूल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s 2pd 2p 2d, तो ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जब वो एनर्जी लेते हैं तब वो
एक्साइट हो जाते हैं, ऊपर की स्टेजेस में जाते हैं, ठीक है, फिर वो नीचे आते रहते हैं। तो ये लेजर कूलिंग में क्या है, इसको क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल हो जाएगा। दिस रिजल्ट शोज दैट द रिसर्चर वर एबल टू कूल द पॉजिट्रोनियम एटम फ्रॉम अबाउट 380 केल्विन टू 170 केल्विन। एंड जब ये कूल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब इसको स्टडी की जा सकती है। द ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट बाय द एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट। तो एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है किसका है, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, इसका पूर्ण नाम है ग्रेविटी इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का ये प्रोजेक्ट है। तो एंटी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको क्या बोला जाता है, सर्न बोला जाता है। एंड इसी का लार्ज हाड्रन कोलाइडर है, वो भी इसी का प्रोजेक्ट है। तो व्हाट इज पॉजिट्रोनियम, तो पॉजिट्रोनियम की क्या है, लेजर कूलिंग हुई है। तो पॉजिट्रोनियम होता क्या है, एक नॉर्मल एटम में क्या है, हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में। तो ए हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जबकि पॉजिट्रोनियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का एंटीमीटर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का एंटीमीटर पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है यहाँ पे। तो पॉजिट्रॉन इज पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम हैज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रोनियम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे एक एटम में होते हैं और ये बाउंडेड स्टेट में होते हैं, बाउंडेड क्वांटम स्टेट में होते हैं, एंड इसी को बोला जाता है पॉजिट्रोनियम। ये सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड, क्या है, ये ऑर्बिट करते हैं सेंटर ऑफ मास के दौरान, ये अपने इन एस स्टेट हैज अ जीरो एंगुलर मोमेंटम। ये इस स्टेट में क्या है, इनमें कोई जीरो एंगुलर मोमेंटम होता है। सो ऑर्बिटिंग अराउंड ईच अदर वुड मीन गोइंग स्ट्रेट एट ईच अदर अंटिल दे, एक दूसरे के साथ ये ऑर्बिट करते रहते हैं, जब तक ऑर्बिट करेंगे जब तक एक दूसरे से कोलाइड कर जाए, या तो एनहिलेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे का पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्केटर हो जाएगा। तो दे विल कोलाइड, आइदर वन ऑफ देम इज स्केटर्ड और एनहिलेटेड, विच एवर एकर एट द फास्ट। दिस इज द बाउंड क्वांटम स्टेट, इसको बोला जाता है पॉजिट्रोनियम, कहा जाता है इसी को। तो पॉजिट्रोनियम इज ए सिस्टम, इट इज ए दो एटम का, ये दो एलिमेंट का ये सिस्टम है, दो एलिमेंट का सिस्टम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट और ग्रेव, इसका पूरा नाम है एंटी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एंटी, तो ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। इट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द CERN, दे स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द एंटीमीटर। तो ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्टडी करती है ऑन एंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट इज प्राइमरी, द एक्सपेरिमेंट प्राइमरी गोल इज टू डायरेक्टली मेजर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ऑन द एंटी हाइड्रोजन। तो ग्रेविटी का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है एंटी हाइड्रोजन पे, उसका मेजर करना है इसे एम का प्रोजेक्ट। एंटी हाइड्रोजन इज द एंटीमीटर काउंटर पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये एंटी हाइड्रोजन क्या है, ये एंटीमीटर है ऑफ द हाइड्रोजन। ए हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। एन एंटी हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज एंटी प्रोटॉन, तो नेगेटिवली चार्ज एंटी प्रोटॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन, ठीक है। इट इज द कोलैबोरेशन बिटवीन द फिजिस्ट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। इस इंडिया के भी इस एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट में इंडियन भी मेंबर है, ठीक है, यूरोप एंड इंडिया का ये कोलैबोरेशन है। दिस एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन टू हेल्प एक्सप्लेन द मैटर एंटीमैटर सिमेट्री इन द यूनिवर्स, को यह हेल्प एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा मैटर एंटीमैटर सिमेट्री को। तो एंटीमैटर इज स्टेबल एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द मैटर, हाउएवर इट ओनली लास्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड ऑन द अर्थ विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन। तो एंटीमैटर है वो अनस्टेबल होता है, और ये जब भी मैटर के कॉन्टैक्ट में आता है तब क्या है, ये खत्म हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट में इंडिया भी पार्ट है अलोंग विद यूरोप, आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन का एंटीमीटर है एंटी हाइड्रोजन, जिसको स्टडी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द एंटीमीटर। दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय द CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च। तो लोकेशन, दिस एक्सपेरिमेंट इज लोकेटेड एट द एंटी, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कहां पे किया जा रहा है, एंटी प्रोटॉन डेक्सलेटर फैसिलिटी है ये सरन की, वहां पे इसको कैरी आउट किया जा रहा है। अचीवमेंट इन 2018
जो ये एक्सपेरिमेंट था, इट हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेमोस्ट्रेट द प्लस प्रोडक्शन ऑफ एंटी हाइड्रोजन एटम। तो एंटी हाइड्रोजन एटम का प्रोडक्शन हो चुका है लैब कंडीशन में, जहां पर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइड है वहां पे। ठीक है, पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम अभी नहीं हमने देखा, अभी क्या देखा, एक इट इज ए कंप्राइजिंग ऑफ ए बाउंड इलेक्ट्रॉन, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है। इट इज ए फंडामेंटल एटॉमिक सिस्टम, द मैटर विच फॉर्म्स द वर्ल्ड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ द एटम्स, द सिंपलेस्ट ऑफ विच इज हाइड्रोजन। तो जो हमारा मैटर है अराउंड अस, उसमें हाइड्रोजन है, और एंटी मैटर में क्या है, एंटी हाइड्रोजन होगा। दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रोनियम ऑन अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी मैटर इक्विवेलेंट पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रोनियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिट्रॉन होता है। इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड बाई द साइंटिस्ट इन ऑफ द यूएसए इन 1951। पॉजिट्रोनियम की जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसीलिए इसकी लेजर कूलिंग की गई थी इसको स्टडी करने के लिए। इट इनहेलेट एट द हाफ रेट ऑफ 142 नैनो सेकंड, इट्स मास इज ट्वाइस द इलेक्ट्रॉन मास, जो मास होगा इसका वो दोगुना हो जाएगा ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इट एंजॉय द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ प्योर लेप्टोनिक एटम, तो ये प्योर लेप्टोनिक एटम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लेप्टॉन। दिस हाइड्रोजन लाइक सिस्टम विद द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन मेक इट इज अ ग्रेट कंटेंडर फॉर अटेम्प्टिंग द लेजर कूलिंग एंड देयर बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरीज ऑन फिजिक्स। तो इसमें थ्योरीज ऑफ फिजिक्स को टेस्ट करते हैं। कूलिंग द पॉजिट्रोनियम स्लोज द एटम्स डाउन एंड मेकिंग इट इजियर फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी। नेक्स्ट इज वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस। ये कि क्वाइन क्या होते हैं, गधे घोड़े को क्वाइन बोलते हैं, उनमें बीमारी होगी है। इट इज कॉज्ड बाय एन वायरस, अल्फा वायरस के द्वारा कॉज की जाती है, जिसका नाम है वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस वायरस वीप। ठीक है, इट इज कॉज, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो बाइट, प्राइमरली द क्यूलेक्स टार्सालिस एंड एडिप्स एडिस स्पीसीज। तो क्यूलेक्स टार्सालिस एंड एडिस स्पीसीज इसको ट्रांसमिट करती है। इट इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस। ठीक है, मेनली इट इम्पैक्ट द हॉर्स को इम्पैक्ट करती है, बट कभी कभी ये ह्यूमंस में भी देखने को मिल जाती है। सिम्टम्स फीवर, हेडेक, न्यूजिया, वॉमिटिंग, सीजर, कोमा, पोटेंशियली डेथ। नेक्स्ट इज टेलीपैथी। तो टेलीपैथी इज ए चिप, तो जो न्यूरालिक इम्प्लांट, टेलीपैथी न्यूरालिक इम्प्लांट है। तो टेलीपैथी क्या होती है, इट इज दो माइंड्स के बीच में क्या क्या है, दो माइंड एक दूसरे के साथ क्या है, कन्वर्स कर पाए बिना बोले, डायरेक्टली क्या है, एक दूसरे से बात कर पाए बिना कुछ बोले। ठीक है, माइंड टू माइंड कनेक्शन, उसको टेलीपैथी बोलते हैं हम। तो टेलीपैथी नाम एक चिप बनाई गई है एलन मस्क की कंपनी के द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, उसने एक चिप बनाई है। ठीक है, उस चिप के द्वारा क्या है कि वो पेशेंट्स में क्या है, ये चिप को लगा देंगे रोबोट के द्वारा, तो क्या है वो ब्रेन से क्या है अपना मोबाइल लैपटॉप है वो कंट्रोल कर पाएगा विदाउट यूजिंग हैंड्स। ठीक है, तो इसको जनरली पैरालाइज अभी यूज किया जा रहा है, जो पैरालाइज लोग हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। तो इट हैज बीन एलन मस्क स्टार्टअप न्यूरालिंक हैज इंप्लीमेंटेड इट्स वायरलेस ब्रेन चिप कॉल्ड एज टेलीपैथी। इज वायरलेस ब्रेन चिप है इन ए ह्यूमन, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको लगाया गया है। एंड न्यूरालिंक है जो कंपनी है वो 2016 में एलन मस्क ने बनाई थी, एंड ये काम करती है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस पे काम करती है। तो न्यूरालिंक इज ए टेक स्टार्टअप फॉर ए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस पे काम करती है, एंड देयर प्रोप्राइटरी चिप इज टेलीपैथी इनकी चिप दैट इज सर्जरी, उसको क्या है सर्जरी के द्वारा बॉडी में इंप्लीमेंट किया जाता है दिमाग में। ठीक है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस इज ए फैसिनेटिंग एंड रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एम्स टू क्रिएट ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द एक्सटर्नल डिवाइस। यानी कि आप ब्रेन से ही बिना हाथ का यूज किए हुए क्या है, आप पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर लो, पूरा आप मोबाइल चला लो ब्रेन से। ठीक है, विदाउट यूटिलाइजिंग द कन्वेंशनल, इसमें क्या है कन्वेंशनल न्यूरो मस्कुलर चैनल का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसमें ये चिप डाल दी जाएगी जो चिप्स कंट्रोल करेगी। टेलीपैथी, टेलीपैथी इज ए वायरलेस ब्रेन चिप दैट इज सर्जिकली इंप्लीमेंटेड इन द स्कल, हमारी खोपड़ी में डाली जाती है विद द अल्ट्रा वायर, थिन वायर्स होते हैं इसमें, एंड इसमें एक बैटरी भी होती है छोटी सी, एंड जो इंडक्टिवली चार्ज होती है, वायरलेस बैटरी होती है, इंडक्शन के द्वारा उसको चार्ज किया जाता है। इट कैन बी रिकॉर्ड, जो टेलीपैथी है इट कैन रिकॉर्ड ए मासिव नंबर ऑफ, मासिव अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्ड कर सकती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट इट टू द कंप्यूटर। तो इंडिविजुअल के न्यूरॉन्स से ये डाटा वो कलेक्ट करती है और वे कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर सकती है।
पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ न्यूरालिंक टेलीपैथी का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है? मेडिकल में देखोगे तो वो लोग जिनको पैरालिसिस हो गया है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है उनमें एक ठीक करने में काम देगी। ट्रीटिंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, मॉनिटरिंग द ब्रेन एक्टिविटी फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द की, इसको किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके एप्लीकेशन है। सेंसरी ऑगमेंटेशन के लिए, एनहांसिंग द विजन और हियरिंग ऑफ द पीपल को एनहांस कर सकती है विद द सेंसरी एम्पेयरमेंट। कंट्रोलिंग द प्रोस्थेटिक लिम्स, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट विद थॉट के साथ, हम दिमाग से ही क्या है जो प्रोस्थेटिक लिम्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो नकली हाथ, आर्टिफिशियल हाथ लगा होता है या फिर जो टांग लगी होती है कुछ भी। इन स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, द केस ऑफ ए मैन पैरालाइज्ड वेस्ट, एक आदमी था जिसका पैरालिसिस हो चुका था वेस्ट से नीचे का, ही वॉज एबल टू वॉक अगेन विद द हेल्प ऑफ ब्रेन स्पाइन इंटरफेरेंस, वॉज यूज टू कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू स्टिमुलेट द स्पाइन, उसको क्या है सिग्नल स्पाइन के थ्रू सिग्नल को ब्रेन को भेजा गया और ब्रेन से वो चलने लग गया। फिर बाद में कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जा सकता है, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग द कम्युनिकेशन मैसेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बिटवीन द ब्रेन एंड कंप्यूटर, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन फॉर पीपल विद स्पीच और लैंग्वेज डिफिकल्टी, उनमें ये हेल्प कर सकता है। Neuralink has conducted numerous in-depth experiment conduct कराए हैं इसके लिए, and in these experiment the monkey demonstrated the mental ability through computer games। तो ये challenges क्या है Neuralink की, जो telepathy है उसके challenges क्या है, ये safety challenge है, हमारा दिमाग के साथ खेलेगी, privacy, security, ethical implication क्या होगा इसका यदि हम चिप से decision making control करने लग गए और ऐसी चिप बना ली जाए जिससे सुपर ह्यूमन बन जाए चिप्स के द्वारा। न्यूरो सिक्योरिटी, दिस इज अ चांस, देर इज अ चांस दैट द पर्सन थॉट और एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड इंटेंशनली अनइंटेंशनली बाय द कंपनी के द्वारा, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है जुडाइकल लाइट। जुडाइकल लाइट वाज इन न्यूज, तो बेसिकली ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये जो लाइट आ रही है ये जुडाइकल लाइट है, इसी को जुडाइकल लाइट बोला जाता है, ठीक है। स्पेस में जो आने वाली लाइट है आपको दिखाई देती है, ये जुडाइकल लाइट है, ये सुबह के शाम कई जगह पे ये सुबह दिखाई देती है और कई जगह पे शाम में दिखाई देती है। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, PRL इन अहमदाबाद, हैज ऑब्जर्व द ओरिजिन ऑफ इंटरप्लेनेटरी डस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द जुडाइकल लाइट फोकसिंग ऑन द मार्स मून। जब मार्स मून की स्टडी कर रहा था, मार्स की दो मून है डेमोस एंड फोबोस, उसकी जो मार्स के मून डेमोस एंड फोबोस की स्टडी करते समय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने ये इनको जुडाइकल लाइट की स्टडी की थी। जुडाइकल लाइट क्या होती है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जब सन क्या है, सन से सनलाइट निकलती है, सनरेज निकलती है, वो डस्ट के द्वारा, डस्ट स्पेस में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं कॉमेट्स वगैरह से, उनसे क्या है डस्ट पार्टिकल हैं, तो उसके द्वारा क्या है ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये अर्थ पे आती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो ओरिजिनल लाइट है वो अपने को देखने को नहीं मिलती है, रिफ्रैक्टेड लाइट है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तो स्पेस डस्ट के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होती है, उसको जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको बोलते हैं जुडाइकल लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जुडाइकल लाइट इज एन एरे लाइट एक्सीडिंग फ्रॉम द होराइजन से आती हुई है, आपको दिखाई देगी, ठीक है। जुडाइकल लाइट ओनली अपियर्स एट द सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर, ये अपियर होती है, एंड इट इज ए पिरामिड ऑफ द लाइट दैट अपियर्स व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन रिफ्लेक्ट ऑफ द डस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो ये रिफ्लेक्ट होती है सन डस्ट के द्वारा, thus the dust circle the sun and is left over debris from the birth of the solar system। जुडाइकल लाइट, जुडाइकल लाइट क्या होती है, इट इज अ फेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या है फेंट है, डिम में होती है, फेंट एंड डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड स्लो, इट इज अ फेंट एंड डिफ्यूज्ड ग्लो ऑफ द सनलाइट स्केटेड बाय द इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल इन द सोलर सिस्टम। इट इज मोस्ट विजिबल जस्ट आफ्टर द सनसेट और बिफोर सनसाइट, तो सनसेट और बिफोर सनसाइट के टाइम पे ये ज्यादा विजिबल होती है, व्हेन द सन इज बिलो द ओराइजन एंड द स्काई इज डार्क एनफ होना चाहिए टू ऑब्जर्व दिस फेंट इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो स्काई डार्क होना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। द नेम जुडाइकल लाइट कम्स फ्रॉम द इट्स लोकेशन, तो ये जहां से आती है ये हमें दिखाई देती है, तो उसका नाम है वो क्या है, सन मून और प्लेनेट है, दे सन मून एंड प्लेनेट है, वो एक बैंड ऑफ स्काई में मूव करते हैं जिसको बोला जाता है जुडाइक बोला जाता है, और ये जुडाइकल लाइट है वहीं से आती हुई हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको बोला जाता है जुडाइकल लाइट। द नेम जुडाइकल लाइट कम फ्रॉम इट्स लोकेशन अलोंग द जुडाइक एंड जुडाइक इज अ बैंड ऑफ द स्काई थ्रू विच द सन मून एंड प्लेनेट मूव। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव पर्टिकुलर
जुडाइकल कॉन्स्टिलेशन नहीं है एंड इट इज ए जॉन, ठीक है, जहां से सन मून एंड प्लेनेट मूव करते हैं उसे जुडाइक बोलते हैं, और यहीं से ये आपको लाइट आती हुई दिखाई देती है। तो जुडाइकल लाइट का ओरिजिन हमने देख लिया है, जुडाइकल लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सनलाइट स्केटर्ड बाय द टाइनी डस्ट पार्टिकल के द्वारा स्केटरिंग के लिए प्रोड्यूस होती है। विजिबिलिटी देखोगे तो लो पोल्यूशन एरिया वाले में ये ज्यादा दिखाई देगी। स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन इंडिया में कौन कर रहा है? पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में इसकी स्टडी कर रही है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट है IRAS इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, ये भी इसको स्टडी करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का IRAS है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। उसके अलावा नासा का कोब है, नासा का कोब क्या है? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड है उसको रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, उनको स्टडी करता है। नासा का कोब याद रखना है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर हैज कंट्रीब्यूटेड वेजिबल डाटा ऑन द इंफ्रारेड इमेजन एसोसिएटेड विद द जुडाइकल डस्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है केयर ब्लैक होल। तो केयर ब्लैक होल इज बेसिकली ए रोटेटिंग ब्लैक होल, ठीक है। केयर ब्लैक होल क्या है? एक रोटेटिंग ब्लैक होल होता है, एंड ये केयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इसको बोला जाता है केयर ब्लैक होल, ठीक है। रोटेट होता है ये अपने एक्सिस के चारों ओर, तो ये देख सकते हो ये एक्सिस है इसका और ये ब्लैक होल है, तो इसे इसके अलोंग रोटेट करता है, ठीक है। तो रोटेट करेगा तो इसमें एक एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंड इसमें क्या है, नॉर्मल ब्लैक होल में क्या होता है, एक एक होराइजन होता है, जो स्टैटिक ब्लैक होल होता है उसमें एक ब्लैक होल होता है, जबकि रोटेटिंग ब्लैक होल में दो, इसमें क्या है केयर ब्लैक होल में दो होराइजन होते हैं, ठीक है। इनर होराइजन एंड इनर इवेंट होराइजन होता है, फिर एक आउटर इवेंट होराइजन होता है, ठीक है। एंड इसका जो सिंगुलरिटी है वो रिंग शेप होता है, रिंग शेप सिंगुलरिटी होती है केयर ब्लैक होल में। व्हाट इज सिंगुलरिटी? सिंगुलरिटी वो पॉइंट होता है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वह पॉइंट जहां से स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है वहां पे, तो सिंगुलरिटी से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता है। एंड ये क्या है, यहां पे रिंग शेप सिंगुलरिटी होती है इसमें ब्लैक होल में, केयर ब्लैक होल में। तो रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड कैम्ब्रिज रिसेंटली कैरीड आउट थियोरेटिकल स्टडी फोकसिंग ऑन द क्लास ऑफ ब्लैक होल नॉन एज केयर ब्लैक होल, इसको स्टडी किया गया था। तो केयर ब्लैक होल, ए केयर ब्लैक होल इज ए थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड ब्लैक होल होता है। ये आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी अपनी फील्ड थ्योरी, उसके बाद में इसको क्या है प्रपोज किया गया था, थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया गया है ब्लैक होल। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट रोटेट एट ए कॉन्स्टेंट रेट से ये रोटेट करता है अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एंड जैसे अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ रोटेट होती है तो अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करती है, जिसके कारण अर्थ का जो शेप है वो जॉइड शेप है ना, तो वो क्या है इक्वेटर पे क्या है निकला हुआ है, बल्जिंग आउट है। उसी तरह से क्या है इसका भी क्या है, ये प्योर स्फेरिकल नहीं होता है, तो ये बल्जिंग आउट होता है इसमें भी। तो यूजिंग द थ्योरी ऑफ द मासिव हाई स्पिन पार्टिकल नेम्ड आफ्टर द न्यूजीलैंड मैथमेटिशियन रॉय कोर के नाम पे ये नेम दिया गया था, और ये 1963 में ये थ्योरी दी गई थी। यूजिंग ए नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल विच हैव ए सिंगल स्फेरिकल इवेंट होराइजन होता है, नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल इज हैविंग द सिंगल स्फेरिकल इवेंट होराइजन होता है, जबकि इसमें क्या है दो होराइजन होते हैं। एक केयर ब्लैक होल है टू होराइजन, दैट इज इनर इवेंट होराइजन एंड सेकेंड इज द आउटर इवेंट होराइजन, ठीक है। तो केयर ब्लैक होल टू इंटरेस्टिंग अदर रीजन होते हैं, इसमें एक एर्गोस्पियर होता है। व्हाट इज द एर्गोस्पियर? देखो ये इसमें इनर इसका इवेंट होराइजन होता है, और उससे बाहर वाला ये जो रीजन है ये आउटर है, आउटर इवेंट होराइजन, और उसके बाहर वाला ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूं, ये जो रीजन है उसको एर्गोस्पियर कहा जाता है। दिस रीजन इज नॉन एज एर्गोस्पियर। तो एर्गोस्पियर इज ए रीजन आउटसाइड द इवेंट होराइजन, से ये बाहर है, ठीक है। वेयर द रोटेशन ऑफ द स्पेस टाइम इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ड्रैग द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये ब्लैक होल अपनी तरफ खींच लेता है, तो ब्लैक होल के पास में कोई भी ब्लैक होल से क्या है इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड रिंग सेलुलर इसमें जो सिंगुलरिटी होती है वो रिंग शेप होती है। दिस इज द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। तो सिंगुलरिटी क्या होता है कि ऐसा पॉइंट होता है इनफाइनाइट डेंसिटी होती है एट द सेंटर ऑफ ए ब्लैक होल वेयर ऑल द मैटर हैज बीन फॉलन इन द, जहां पे जो कोई मैटर पट गया तो वो चला गया एक बार तो वो वापस नहीं आएगा, करस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट डेंसिटी होती है और ये यहां पे इसमें रिंग सिंगुलरिटी होती है, ठीक है। अब नॉर्मल ब्लैक होल और एक रोटेटिंग ब्लैक होल जो कि केयर ब्लैक होल है उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो नॉर्मल ब्लैक होल और नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज़चाइल्ड ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि ये इसके द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था स्वार्ट्ज़चाइल्ड के द्वारा।
उसको स्वार्स चाइल्ड ब्लैक होल कहा जाता है, जबकि रोटेटिंग ब्लैक होल इज कॉल्ड एज केयर ब्लैक होल। ठीक है, तो रोटेटिंग होगा तो इट हैज ए एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो नॉन रोटेटिंग होगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, इवेंट ओराइजन की शेप देखिए तो हमने अभी देखा है, तो केयर ब्लैक होल द रोटेशन काजेज द ब्लैक होल इवेंट ओराइजन टू बी ऑब्लेटेड ऑब्लेट और फ्लैटेंड एट द पोल। तो ये फ्लेल पे क्या है, ऐसे ऐसे होगा, जबकि स्पेरिकल होगा, ये जो है नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल होगा ये परफेक्टली स्पेयर होगा, इट इज अ परफेक्ट स्पेयर। एंड केयर ब्लैक होल और रोटेटिंग ब्लैक होल इट हैज एन एर्गोस्पियर होता है, जबकि इसका एर्गोस्पियर नहीं होता है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ सिंगुलरिटी हम देखेंगे तो ए सेंटर ऑफ द केयर ब्लैक होल इज ए रिंग शेप सिंगुलरिटी होती है रेदर देन ए पॉइंट। नॉर्मल ब्लैक होल में क्या होता है, एक पॉइंट सिंगुलरिटी होती है। इन दिस स्वार्चाइल्ड ब्लैक होल इज ए पॉइंट सिंगुलरिटी, जबकि इसमें ये रिंग शेप सिंगुलरिटी होती है। फ्रेम ड्रैगिंग तो केयर ब्लैक होल में ये फ्रेम ड्रैगिंग होती है, वेयर द रोटेटिंग स्पेस टाइम ड्रैग नियर बाई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट, तो जिसके पास पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको ये ड्रैग कर लेती है। एंड इट डज नॉट एग्जिबिट द फ्रेम ड्रैगिंग, ये स्वार्चाइल्ड ब्लैक होल है वो एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लैक होल से रिलेटेड होती है ये सारी चीजें, इवेंट ओराइजन है, एर्गोस्पियर है, याद रखना है किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज लुनार न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम। तो ये नासा ने बोला है कि वो लुनार यानी कि चंद्रमा पे क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, ताकि वो क्या है फ्यूचर रिसर्च कर पाए, वहां पे जो कॉलोनी बसाने के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के बारे में बात कर रहा है नासा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क। तो साइंटिस्ट हैव यूज्ड द ब्रेन लाइक टिश्यू विद इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या है, ब्रेन लाइक टिश्यू है उसको फ्यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टू मेक ए ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क ONN। ठीक है, दैट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो साइंटिस्ट ने अभी क्या है, ब्रेन लाइक टिश्यू को इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़ के एक ऐसा ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क बनाया है जो कि वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क इज ए क्लास ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल होता है दैट इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर से इंस्पायर होता है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं, जिसको हम हमारे ब्रेन में क्या होता है न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। तो दिस नेटवर्क कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, तो जो न्यूरल नेटवर्क है दैट इट इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा, इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, तो इट इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा एंड जनरलाइज्ड पैटर्न। जबकि डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग इज ए न्यूरल नेटवर्क विद मेनी लेयर्स, इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं दैट आर रेफर्ड एज अ डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो डीप लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग दिस डीप आर्किटेक्चर टू लर्न द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेटिव एंड फीचर फ्रॉम द डेटा। तो इनको क्या है, ट्रेन किया जाता है, मशीनों को ट्रेन किया जाता है डेटा के द्वारा, फिर उनको कैसे बिहेव कर पाए, तो वो ह्यूमन ब्रेन की तरह वो बिहेव करती है। फिर यूज्ड इन द डाइवर्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स में डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड्स क्या होते हैं, तो दे आर मिनिएचर यानी कि छोटे 3D स्ट्रक्चर ग्रोन फ्रॉम द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल से ग्रो किए जाने वाले 3D मिनिएचर स्ट्रक्चर होते हैं दैट रिजेंबल द स्पेसिफिक ऑर्गन को ये रिजेंबल करते हैं। इस केस में क्या है, ONN में क्या है, वो हमारे ब्रेन को रिजेंबल करेंगे। तो दे आर द 3D स्ट्रक्चर जो कि हमारी स्टेम सेल से बनाए जाते हैं। स्टेम सेल क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। द ऑर्गेनॉइड मिमिक्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सर्टेन ब्रेन रीजन को मिमिक करती है टू सर्टेन एक्सटेंट। ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अब हम बात करते हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क इंटीग्रेट द ऑर्गेनॉइड, ये इंटीग्रेट करता है जो ऑर्गेनॉइड को विद द न्यूरल नेटवर्क, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये मशीन है, मशीन यानी कि मशीन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको क्या है इसमें इसको जो फिजिकल जो चीजें हैं ऑर्गेनॉइड है उसको साथ इसको क्या है इंटीग्रेट किया गया है। तो बाय इंटरफेसिंग द ब्रेन ऑर्गेनॉइड विद द माइक्रो इलेक्ट्रोड अरे के साथ इसमें इंटीग्रेट किया गया है, रिसर्चर कैन रिकॉर्ड एंड स्टिमुलेट देयर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो ऑर्गेनॉइड को जब माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे के साथ कंबाइन करेंगे, उसमें कंबाइन करते हुए साइंटिस्ट क्या है, इसका जो ऑर्गेनॉइड है यानी कि ऑर्गेनॉइड अभी जो मिमिक कर रहा है ब्रेन की तरह, तो ये क्या है उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को स्टडी करेगा ताकि उसको जो इम्पैक्ट है वो एनालाइज किया जा सके। दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज देन यूज टू क्रिएट ए कॉम्पिटिशनल मॉडल ऑफ द ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। दिस मॉडल कैन देन बी यूज फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन इन AI डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है।
दिस इन्वेंशन एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से ये बियॉन्ड है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में क्या होता है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉडलिंग कंप्यूटर आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन। तो इसमें कंप्यूटर में मॉडल बनाया जाता है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में कंप्यूटर में मॉडल बनाया जाता है जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक करता है। जबकि ऑर्गनॉइड न्यूरल नेटवर्क में क्या है, एक ऑर्गन बनाया जाएगा, पहले स्टेम सेल के द्वारा ऑर्गन बनाया जाएगा, फिर उस ऑर्गन में क्या है, आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, माइक्रो इलेक्ट्रोड लगा रहे हो और फिर उसका रेस्पॉन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, न्यूरोमॉर्फिक में कंप्यूटर में होता है, ठीक है, सब फिजिकल नहीं होता है। एप्लीकेशन देखोगे तो इसका क्या, ONN का ऑर्गनॉइड न्यूरल नेटवर्क का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन फंक्शन को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है। ONN ऑफर्स ए मोर रियलिस्टिक एंड डायनेमिक मॉडल ऑफ ब्रेन एक्टिविटी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सेल कल्चर। तो ड्रग का क्या इंपैक्ट हो सकता है उस पर स्टडी किया जा सकता है। टेस्टिंग द ड्रग ऑन ONN कुड प्रोवाइड ए प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन। न्यूरोमॉर्फिक AI में इसका यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपिंग AI सिस्टम दैट फंक्शन क्लोजर टू द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है उसी तरह से काम करे, तो उसके ऐसे मॉडल बनाए जा सकते हैं। कुड लीड टू द मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजीज हम बना सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है GRAPS-3। तो GRAPS-3 इज क्या है, इसकी फुल फॉर्म दी हुई है गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज Phase-3 एक्सपेरिमेंट। तो ये एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उसका ये प्रोजेक्ट है GRAPS-3 प्रोजेक्ट। ये किससे रिलेटेड है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज। तो ये स्टडी करता है PEV एनर्जी, पेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, उसमें स्टडी किया जाता है इसको, गामा रेज को, जो गामा रेज है जिनकी एनर्जी क्या है, पेटो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको स्टडी किया जाता है। तो ये बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस का प्रोजेक्ट है एंड इट इज लोकेटेड इन ऊटी में लोकेटेड है एंड इट हैज दिस identified the novel characteristic of the cosmic ray proton spectrum का इसने कुछ characteristic identify की है GRAPS-3 ने। तो GRAPS-3 is a muon telescope facility है, basically ये muon को study करती है, muon telescope study है to the study the cosmic rays को, इसमें study किया जाता है। It investigate the phenomena like the solar modulation and geomagnetic effect of the cosmic rays intensity। Objective क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मिक रेज इन द पेटा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेट करना है कॉस्मिक रेज को जो बाहर से आती है, स्पेस से आती है, एंड एनर्जी रेंज विच कॉरस्पॉन्ड टू द एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जो रेंज एनर्जी रेज होती है उनको स्टडी किया जाता है इसमें। तो GRAPS-3 के कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें स्कैंटिलेटर एरेज होती है, स्कैंटिलेटर एरेज होती है, वो फोटो ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी पे काम करती है, स्कैंटिलेटर पे ल्यूमिनेंस पे काम करती है। इस पे कुछ भी क्या है, लाइट जब पड़ती है तो स्कैंटिलेटर एरे, स्कैंटिलेशन क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है, लाइट पड़ेगी तो, लाइट पड़ेगी तो क्या है, किसी सब्सटेंस पे लाइट जो पड़ेगी तो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उस मैटर के अंदर में, मैटर में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होंगे तो फिर क्या है, ये एक लाइट अब्जॉर्व करेगा और फिर दूसरी लाइट है ये इमिट करता है, तो उसको बोलते हैं स्कैंटिलेटर एरे। तो इसमें स्कैंटिलेटर एरे का यूज किया गया है। The detector records the charged particle produced from the cosmic ray interact with the atmosphere. इसमें muon detector भी लगे हुए हैं। Next, muon particle क्या होता है? Muon particles are elementary particles होते हैं, meaning they are not composed of similar constituent के composed नहीं होते हैं। Smaller constituent, यानि कि ये elementary particles होते हैं। Muons are basically elementary particle हैं। तो muons have a mass approximately 207 times that of an electron का mass होता है इनका। The average lifetime of a free muon is about 2.2 microsecond and muons are produced in various high energy process mein produce hote hain such as decay of ions, cosmic rays, interaction with the earth atmosphere, bahut sari cheezon mein ye produce hote hain. Application dekhoge to muons are used in tomography mein use kiye jate hain, a technique muon tomography hoti hai, muon tomography is a technique hoti hai in which muons are used to create the images of the internal organs. नेक्स्ट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। इसने एस्टेब्लिश किया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया है, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इट हैज रिप्लेस्ड दिस साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, उसको रिप्लेस कर दिया गया है इसके द्वारा एंड इट वाज सेटअप इन 2023 में इसको सेटअप किया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च बोर्ड। अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च है, तो रिसर्च नेशनल रिसर्च बोर्ड।
रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, एंड ये 2023 में एस्टेब्लिश किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ R&D इन द कंट्री। इट प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड फंडिंग देगी टू द रिसर्च इनिशिएटिव अक्रॉस द वेरियस डिसिप्लिन। तो इट वॉज रिकमेंडेड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल प्रमोट द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करेगा थ्रू आउट द इंडियन कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लेबोरेटरीज। इट विल गिव द इम्पेटस टू द क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड मिशन इंडिया इनोवेशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव। CEO अपॉइंट किया गया था इसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्रेटरी है उनको। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शन क्या होंगे? 2023 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, इसका फंक्शन हम देखें तो ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट थ्रू द ग्रांट फेलोशिप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, एंड इट विल एस्टेब्लिश एंड मैनेज द रिसर्च फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री में ये हेल्प करेगा। इट विल प्रमोट द कोलैबोरेशन बिटवीन द रिसर्चर इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड इट विल हेल्प इन डिसिमिनेशन ऑफ द रिसर्च फाउंडिंग्स एंड प्रमोट द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस। नेक्स्ट इज ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम है TDF, तो जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। TDF की फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसमें क्या है, टेक्नोलॉजी बनानी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनानी है। तो अंडर द DRDO टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड TDPF प्रोग्राम, एक ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है, उसको डेवलप किया गया था अभी एंड सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑर्बिट कैपेसिटी, इसको चेक किया गया था, ये सक्सेसफुली चेक किया गया था PSLV C-58 मिशन में। तो TDF इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जीक्यूटेड बाय द DRDO अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर फंडिंग इनोवेशन इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेशली इन द स्टार्टअप एंड MSMEs। नेक्स्ट इज ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ रॉकेट इंजन। प्रोपल्शन सिस्टम इज ए टाइप ऑफ रॉकेट इंजन दैट यूजेस नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट यूज करता है। नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट ये यूज करेगा, नाम से समझ आ रहा है। दिस प्रोपेलेंट आर टिपिकली लेस हजार्डियस टू हैंडल एंड दे प्रोड्यूस द लेस हार्मफुल और फ्यूअर हार्मफुल इमिशन देन द ट्रेडिशनल प्रोपेलेंट सच एज हाइड्राजिन। ट्रेडिशनल प्रोपेलेंट क्या है? हाइड्राजिन है, तो इसका ये अल्टरनेटिव होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन प्रोपेलेंट दे आर अंडर डेवलपमेंट में है, आयनिक लिक्विड की फॉर्म में है, तो आयनिक लिक्विड की फॉर्म में भी ग्रीन प्रोपेलेंट डेवलप किए जा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट में है आयनिक लिक्विड। दीज आर दी साल्ट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली आयंस क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो ये जो साल्ट्स होते हैं दे आर सॉल्ट्स एट दीज सॉल्ट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज एज ए फ्यूल एज वेल एज ऑक्सीडाइजर, दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं आयनिक लिक्विड्स। दूसरा है हाई टेस्ट परोक्साइड, तो ये हाई टेस्ट परोक्साइड है, दीज आर दी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड दैट कैन बी यूटिलाइज एज ए ऑक्सीडाइजर, इन्हें रॉकेट इंजन में ऑक्सीडाइजर की तरह इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मिथेनॉल एंड इथेनॉल को भी क्या है, ये सिंपल रॉकेट इंजन में फ्यूल की तरह इनको यूज कर सकते हैं। बायोप्रोपेलेंट, दीज आर दी प्रोपेलेंट डिराइव फ्रॉम द बायोमास, तो ये बायोप्रोपेलेंट है वो बायोमास से डिराइव होंगे सच एज वेजिटेबल ऑयल और एल्गी। नेक्स्ट इज PSLV C-58 में इसको टेस्ट किया गया था, तो PSLV C-58 was the 60th flight of the ISRO Polar Satellite Launch Vehicle में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें क्या है, एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था एंड एक्सपोसेट इज डिजाइन टू स्टडी द एक्सरे इमेजन को स्टडी करेगी। एक्सपोसेट जिसको फ्रॉम दी सेलेस्टियल सोर्सेज से क्या है, ये एक्सरे इमेजन को स्टडी करेगा, एक्सपोसेट सैटेलाइट है जो हमारा, ठीक है। तो ये इसको लॉन्च किया गया है एक्सपोसेट को, PSLV C-58 में इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ISRO एंड इट्स रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम, तो जो रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसमें थ्रस्ट जनरेट होती है और वो थ्रस्ट है वो कैसे जनरेट होती है, वो बेस्ड होती है न्यूटन के थर्ड लॉ पे, इक्वल रिएक्शन हैज ए, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये इसी पे बेस्ड होती है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है, ISRO के दो लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर सिस्टम को बनाने के सेंटर हैं, एक है तिरुवनंतपुरम में, दूसरा है बेंगलुरु में। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम एंड बेंगलुरु में है, तो यहां पे क्या है, इनको डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, तो ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स
इज द मेन टेस्टिंग हब ऑफ द इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इट इज लोकेटेड नियर कन्याकुमारी इन द महेंद्रगिरी हिल्स इन तमिलनाडु में ये लोकेटेड है नियर कन्याकुमारी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड इट कुड बी कॉल्ड एज ए जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी भी बोला जा सकता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज इसरो है वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है वो भी डेवलप कर रहा है। इसरो इज वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पे काम कर रहा है दैट कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द केमिकल प्रोपेलेंट, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह है उनसे डिपेंडेंस भी इलेक्ट्रिक पे काम करे सिस्टम पूरा। द ईपीएस सिस्टम वाज फर्स्ट लॉन इन द साउथ एशिया सेटेलाइट में इसको टेस्ट किया गया था, यानी कि जीसेट 9 में इसको टेस्ट किया गया था 2017 में। एंड इट इज वर्किंग सेटिस्फैक्टरी द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है वो साउथ एशिया सेटेलाइट जीसेट 9 में हम टेस्ट कर चुके हैं और ये काम कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ द ईपीएस सेटेलाइट वेट कैन बी रिड्यूस, तो इसका जो वेट है वो कम होता है जबकि केमिकल्स का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, तो ज्यादा पेलोड हम ले पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है एरोजोल और फ्रोजन स्मॉग। तो रिसर्चर है डेवलप्ड सेंसर, रिसर्चर ने क्या है एक सेंसर बनाया है फ्रॉम द फ्रोजन स्मॉग। तो फ्रोजन स्मॉग का यूज करते हुए रिसर्चर ने ये एक सेंसर बनाया है। फ्रोजन स्मॉग क्या होता है, फ्रोजन स्मॉग इज एरोजोल होता है, एरोजेल, एरोजेल होता है एरोजेल। नॉर्मल जेल में क्या होता है, नॉर्मल जेल का जो जेल क्या होता है लिक्विड होता है, नॉर्मल जेल क्या होता है लिक्विड जेल होता है ना लिक्विड, तो उसमें क्या है उस लिक्विड की जगह उस लिक्विड में क्या है उसी लिक्विड में जो पानी की तरह होगा पानी की जगह उसमें एयर फिल कर दी जाएगी, तो एयर फिल कर दी जाएगी तो ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो है जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रोजन स्मोक है जो वाइट वाइट है ये क्या है ये एरोजोल है, इसी को क्या है फ्रोजन स्मोक कहा जाता है, ब्लू स्मोक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या है एयर, एयर प्लस जेल है, एयर प्लस जेल का यूज किया गया है। एटम्स को हटा के उसमें जो एलिमेंट थे उसके एटम को हटा के इसमें क्या है एयर भर दी जाती है और ये क्या है एरोजोल है, ये सॉलिड है, ठीक है। नॉर्मल जेल होता है वो क्या होता है लिक्विड होता है, ये क्या है ये सॉलिड है, ठीक है। एंड ये देखो ये इतना ताकतवर होता है कि ये छोटा सा है वो भी क्या है एक ईंट को वजन को झेल पा रहा है, ठीक है। एंड ये कलरफुल भी हो सकता है, इसमें ये जो मोस्टली होते हैं वो सिलिका से बने होते हैं परंतु दूसरे भी एरोजोल्स बने होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स के भी आपको एरोजोल मिल जाएगा, आयरन का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कलरफुल भी हो सकता है फ्रोजन स्मॉक और एरोजोल। इट इज ए सिंथेटिक मटेरियल होता है विद एन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इसकी बहुत कम डेंसिटी होती है एंड वेरी हाई पोरोसिटी, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वेरी हाई पोरोसिटी, ये सॉलिड होता है। एरोजोल्स आर इनक्रेडिबली लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट होते हैं, लो डेंसिटी होती है जिसके कारण ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लाइटेस्ट सॉलिड मटीरियल इन द एग्जिस्टेंस। तो लाइटेस्ट सॉलिड है वो यही होता है, ठीक है, सिलिका वाला होता है वो यही होता है, सिलिका एरोजोल इज से ही बना होता है लाइटेस्ट कंपाउंड इसका लाइट वेट। एरोजोल्स आर सॉलिड मटीरियल होते हैं दैट आर मोस्टली कंपोज ऑफ एयर, तो इसमें एयर होती है एंड एयर विद ए जेल लाइक स्ट्रक्चर दैट replaces the liquid component of a gel with a gas, the liquid component होता है gel का उसको gas से replace कर दिया जाता है, ठीक है। The nickname frozen smoke come from its appearance as a aerosol, क्या है इसका जो nickname है वो frozen smoke का वो कहां से आया aerosol, because it look like translucent होते हैं जैसे हमने अभी देखा है, ठीक है, and hazy or smoke like appearance। तो aerosol जो initially बनाया गया था वो silica based material था और उसको क्या बोला जाता है solid smoke भी कहा जाता है, solid smoke और solid air और सॉलिड क्लाउड और ब्लू स्मोक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए सॉलिड स्मोक, सॉलिड एयर, सॉलिड क्लाउड या फिर ब्लू स्मोक भी कहा जाता है। तो ये सॉलिड होता है, ठीक है, एरो सिलिका वाला होता है वो, उसके अलावा आयरन वाला भी होता है। तो फ्रोजन स्मोक और एरोजोल प्रॉपर्टीज हम देखें तो एरोजोल से रिमार्केबल प्रॉपर्टीज सच एज बीइंग एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटर होते हैं, ये थर्मल एक्सीलेंट इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये क्या है, ये एरोजोल है और उसके नीचे बर्नर जल रहा है और उसके ऊपर क्या है फ्लोवर रखा हुआ है, तो ये फ्लोवर है वो हार्म नहीं हो रहा है, इसकी ये थर्मल इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को ये दिखा रहा है, ठीक है। इंसुलेटर होते हैं कंडक्ट नहीं करते हैं हीट को, एयर क्या होती है बेड कंडक्टर होती है हीट की, तो ये भी क्या है बेड कंडक्टर होते हैं। एप्लीकेशन देखोगे तो दे आर ऑफन यूज, एरोजोल्स आर द बेस्ट, एरोजोल और फ्रोजन स्मोक दे आर ऑफन यूज इन द वेरियस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनका यूज किया जा सकता है, इंसुलेटर की तरह यूज किया जा सकता है इंक्लूडिंग इंसुलेशन एंड स्पेसक्राफ्ट में इसको यूज किया जाता है डस्ट को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप अगले देखो ये स्टार डस्ट में इसको यूज किया गया था डस्ट कलेक्ट करने के लिए नासा के द्वारा,
एंड कॉस्मिक डस्ट को इसको कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डिस्पाइट इट्स डेलिकेट अपीयरेंस एरोजेल इज सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग होता है एंड कैन सपोर्ट द हैवी लोड को ये सपोर्ट कर सकता है डिस्पाइट इट एक्सट्रीमली लो लेड लो क्या है डेंसिटी इसको हम देख चुके हैं वो इसके छोटे शिप पे क्या है ईंट का वजन ये सहन कर सकता है। तो इसको ऑयल एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसको इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ऑयल एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज किया जाता है, हेल्ड बाय हेयर इसको मैटर को हेल्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है और कॉस्मिक डस्ट को कलेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा सेंसर बनाया गया था एरोसोल बेस्ड, ये हमने अभी देखा है ना, तो ये जो फ्रोजन स्मोक बेस्ड एक सेंसर बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा टू डिटेक्ट दी फॉर्मल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसर बनाया गया है। तो ये एरोसोल से उसको फॉर्मल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसमें क्या है, एक सेंसर बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, सेंसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस में एक फ्रोजन स्मोक का दोनों को मिला के इसको यूज किया गया है और जिससे क्या है फॉर्मल्डिहाइड को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। अभी हम फॉर्मल्डिहाइड के बारे में जानते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड इज ए कलरलेस पंजेंट गैस है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है CH2O, कार्बन दो हाइड्रोजन HH डबल बॉन्ड O, इट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, इट इज फ्लेमेबल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -19°C, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबेंट होता है। तो ये कलरलेस पंजेंट होता है, फ्लेमेबल होता है, वाटर और इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल होता है। फॉर्मल्डिहाइड कैन बी एज ए पॉल्यूटेंट भी हो सकता है, तो इट इज कॉमनली फाउंड इन द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये देखने को मिलता है। इट इज इमिटेड बाय हाउसहोल्ड आइटम के द्वारा भी ये फॉर्मल्डिहाइड इमिट होता है, इंक्लूडिंग द वुड प्रोडक्ट में होता है, ये वॉलपेपर में होता है, पेंट में होता है एंड सम सिंथेटिक फैब्रिक्स में भी देखने को मिलता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट द लेवल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है वो कम होता है, लो कंसंट्रेशन होती है, बट इट कैन बिल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर्मल्डिहाइड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा इसका तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट इज कार्सिनोजन होता है, यानी कि वो कैंसर कॉज कर सकता है, स्पेसिफिकली नेजल कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये इरिटेंट होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, फॉर्मल्डिहाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होता है स्किन को, आइज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट भी होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू, तो ब्रेन टिश्यू को 3D प्रिंट किया गया था अभी रिसेंटली। तो रिसर्चर हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू दैट बिहेव लाइक ए नेचुरल ब्रेन की तरह बिहेव करता है, वो रिसर्चर ने बनाया है, 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बना लिया गया है। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है UPSC के, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बना लिया गया जो कि नेचुरल ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो 3D प्रिंटिंग आप पढ़ चुके हो, एडिटिव प्रिंटिंग भी बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग भी बोला जा सकता है। तो इट इज, तो जो 3D प्रिंटिंग ब्रेन टिश्यू है ये यूज करती है बायो प्रिंटिंग टेक्निक का यूज करती है, बायो प्रिंटिंग दैट जनरेट द स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द रियल ब्रेन टिश्यू को स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय स्पेशलाइज्ड प्रिंटर एंड बायो इंक का इसमें यूज किया जाता है, कंटेनिंग द, बायो इंक में क्या होता है लिविंग सेल्स होते हैं एंड सपोर्टिंग मटीरियल होता है, बाय केयरफुली जब हम इसको अरेंज करेंगे तब हमें क्या है ये मिल जाएगा जो 3D प्रिंटेड ब्रेन। ठीक है, By carefully arranging these components, researcher can create the structure with similar cellular composition and architecture to the human brain. It is a low-cost methodology होती है that could help with the brain damage है, तो वहाँ पे ये help कर सकती है future application के हम बारे में बात करें। तो this utilizes the, ये क्या है, human induced pluripotent stem cell का इसमें use किया जाता है। तो याद रखना है कि ये HIPC hips, तो ये पूछा जा सकता है कि what is HIPSC क्या है, ये टर्म क्या है, तो ये है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, इसका यूज करते हुए यंग न्यूरॉन्स को बनाया जा सकता है सेरेबल कॉर्टेक्स के, सेरेबल जो कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में होता है उसका यंग न्यूरॉन्स उसको क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग दी ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो करंट डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, फंक्शनल न्यूरॉन्स बनाए गए हैं, साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली प्रिंटेड दी ब्रेन टिश्यू कंटेनिंग द फंक्शनल न्यूरॉन दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर मिमिकिंग द ब्रेन एक्टिविटी। तो ये फंक्शनल न्यूरॉन बना लिए गए हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट सेल टाइप्स इसमें क्या है, अलग अलग सेल टाइप्स का यूज किया जाता है। तो रिसर्चर फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग द वेरियस टाइप ऑफ द सेल फाउंड इन द ब्रेन सच एज एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया। तो ये अलग अलग प्रकार की सेल होती है ब्रेन में, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया, तो उसमें क्या है
फंक्शन, मोर कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन का फंक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग सेल का यूज करते हैं साइंटिस्ट। तो डिजीज मॉडल है, तो ये डिजीज मॉडल में क्या है, ब्रेन की डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रिसर्चर्स आर प्रिंटिंग द ब्रेन टिश्यू विद स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड म्यूटेशन टू स्टडी द न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर, लाइक अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, उनको स्टडी करने के लिए क्या है बनाए जा रहे हैं इस मॉडल्स। ड्रग टेस्टिंग, तो प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू कुड सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग के लिए उसमें प्लेटफॉर्म सर्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ द ब्रेन सेल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो बायो 3D प्रिंटर में क्या है, बायो इंक यूज की जाती है। तो बायो इंक इज ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ इंक दैट इज यूज्ड इन 3D बायो प्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है। इट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंक बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लिविंग सेल्स होती है इसमें अलॉन्ग साइड विद द बायो कंपैटिबल मटीरियल। तो लिविंग सेल विद द बायो कंपैटिबल मटीरियल, दैट ऐसा मटीरियल जो कि सपोर्ट करता है सेल की ग्रोथ को एंड फंक्शन को। ठीक है, इट बिहेव लाइक ए लिविंग इंक की तरह बिहेव करती है, कैपेबल ऑफ बिल्डिंग द मिनिएचर वर्जन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन लेयर बाय लेयर, ये बना देती है। कंपोनेंट ऑफ बायो इंक के क्या कंपोनेंट होते हैं, बायो इंक में लिविंग सेल्स होती हैं, दिस सेल कैन बी द स्टेम सेल हो सकती है, स्पेशलाइज सेल्स हो सकती है लाइक न्यूरॉन सेल, मसल सेल और इवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल। तो इसमें बायो इंक में लिविंग सेल होती है पहला, दूसरा इसमें बायो मटीरियल होते हैं, दीज प्रोवाइड ए स्कैफोल्ड फॉर द सेल्स टू अडहर टू एंड ग्रो विद इन। तो ये ग्रो करने में सेल को हेल्प करती है, फॉर एग्जाम्पल तो बायो मटीरियल क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजेल हो सकता है, एल्गिनेट्स हो सकते हैं, कोलाजन हो सकता है। थर्ड इज ग्रोथ फैक्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए होगा, तो सेल बन गई तो फिर वो ग्रो भी तो होनी चाहिए। तो दीज आर द एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द सेल सर्वाइवल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी होते हैं। तो बायो इंक के तीन कंपोनेंट होते हैं, लिविंग सेल, बायो मटीरियल एंड ग्रोथ फैक्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंडियाज फर्स्ट हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी बनाई गई है, जिसको S2 नाम दिया गया है, S2 या फिर इसको क्या बोला जाता है, जिगर थांडा। तो याद रखिए क्या है जिगर थांडा और S2, इट इज इंडियाज फर्स्ट हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो ये हाइपरवेलोसिटी की स्पीड वाली चीजों को टेस्ट करने के लिए फैसिलिटी बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है, IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। एडवांस हाइपरसोनिक टेस्टिंग फैसिलिटी की ये इसके पास कैपेसिटी है। एंड ये क्या है, हाइपरसोनिक क्या हो सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह हो सकती हैं, उनको टेस्ट करने में ये हेल्प करेगी। तो ये जो फैसिलिटी है वो 24 मीटर लॉन्ग फैसिलिटी है, 24 मीटर लॉन्ग। इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग हाइपरसोनिक स्पीड विद रेंजिंग फ्रॉम द 3 to 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जनरेट कर सकती है हाइपरसोनिक स्पीड 3 to 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो S2 और जिगर थांडा और इंडियाज फर्स्ट हाइपरवेलोसिटी एक्सपेंशन टनल इज लोकेटेड इन IIT कानपुर। ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग है ये, 3 से 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड डेवलप कर सकती है। एंड ये जो सेंटर है IIT कानपुर में, जिसकी फुल फॉर्म दी हुई है हील हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट एरोडायनेमिक लेबोरेटरी इसका नाम है, एंड इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको फंड किया है। इट विल हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द हाइपरसोनिक कंडीशन एनकाउंटर बाय द व्हीकल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल। एप्लीकेशन क्या होगा, इट कैन हेल्प इन एग्जिस्टिंग मिशन, S2 विल हेल्प इसरो इन टेस्टिंग ऑफ द गगनयान मिशन एंड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने में इसको हेल्प करेगा। इसके अलावा DRDO को ये हेल्प करेगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने में। इट विल बूस्ट द रिसर्च इकोसिस्टम फ्यूचर मिशन के लिए, ये थोड़ा बूस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मिसेलर वाटर। तो मिसेलर वाटर है वो स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। इट इज ए पॉपुलर स्किन केयर प्रोडक्ट है एंड इट इज ए जेंटल एंड इफेक्टिव क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑयल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज माइसेल्स होती है। इसमें टाइनी ऑयल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइसेल्स होते हैं। एंड माइसेल्स का दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑयल लविंग पार्ट होता है, एक वाटर लविंग प्लांट होता है। ठीक है, जो ऑयल लविंग पार्ट होता है यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो जो ऑयल लविंग होगा तो वो क्या है, उसको जेंटली रिमूव करने में हेल्प करेगा ऑयल को। तो इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑयल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज माइसेल्स सस्पेंडेड इन द सॉफ्ट वाटर। दीज माइसेल अट्रैक्ट एंड ट्रैप दी, ये जो माइसेल है वो अट्रैक्ट एंड ट्रैप करती है डर्ट है, ऑयल है, मेकअप को, ये ट्रैप करती है, मेकिंग इट इजी टू रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम द स्किन। स्किन से इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है विदाउट द नीड फॉर हार्श रबिंग। तो सॉफ्टली ये कर देगी। तो माइसेल्स क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल विद ए यूनिक डबल पर्सनैलिटी होती है, जिसमें एक ऑयल लविंग हेड होता है, एक वाटर लविंग हेड होता है। तो ऑयल लविंग हेड on the outside of the micelle you will find the heads that adhere
ये क्या है, ये अडोर करेगा ऑयल और डट को कैप्चर कर लेगा एंड ठीक है, तो फिर ये इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड वाटर लविंग हेड होगा, वो एक टेल होगी इसमें, ठीक है, वाटर लविंग टेल। तो दीज माइसेल हैव द टेल दैट क्रेव फॉर द वाटर, दिस अलाउ देम टू डिजोल्व कंफर्टेबली इन द माइसेलर वाटर सॉल्यूशन, में डिजोल्व होने में ये हेल्प करेगा। द सॉल्यूशन नेचर क्लीनिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। की फीचर क्या है इसके, क्लींजिंग में हेल्प करेगा ये, एंड मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करेगा, मल्टीपर्पज हो सकता है, क्लींजिंग, टॉनिंग, हाइड्रेटिंग स्किन में ये हेल्प करेगा। इट मे कंटेन, इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट हो सकते हैं लाइक विटामिन, मिनरल और फ्लोरल एक्सट्रैक्ट भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है, ओपन एआई ने डेवलप किया है सोरा। तो ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी डेवलप किया है, एंड उसी ने क्या है, एक नया मॉडल डेवलप किया है सोरा। सोरा क्या कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है एक टेक्स्ट को, यानी कि हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसको ये वीडियो में बना के दे देगा। तो इट इज ए टाइप ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक है, ये इसने लॉन्च किया है, मॉडल लॉन्च किया है। इट इज ट्रेंड ऑन ए मासिव डेटा सेट ऑफ टेक्स्ट एंड वीडियो पे ट्रेंड है। तो सोरा मॉडल मैकेनिज्म ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है, जो कि यूज किया जाता है चैट जीपीटी मॉडल में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो यानी कि इसके काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है, ये कैन डेवलप कर सकते हैं नई चीजें। डेटा को लेंगे, इनपुट को लेंगे और फिर ये नई चीजें निकाल के दे देंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। द एआई मॉडल शोज द वीडियोज एंड इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट एंड ऑफ द डेटा विच इज नॉन एज पैचेज, ईच ऑफ दिस पैचेज इज सिमिलर टू द टोकन इन जीपीटी। एंड डले ही क्या होता है, ये टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट कर देता है, डले ये है वो टेक्स्ट को इमेज कन्वर्ट करने वाला एक एआई मॉडल है। एंड इस सोरा में क्या है, इट हैज बोरोड द रिकैप्चरिंग टेक्निक फ्रॉम द डेला E3 से, इसको ली गई है। तो इतना याद रखना है, एप्लीकेशन क्या है, इसको जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स सीन को जनरेट किया जा सकता है, टेक्स्ट को दे दोगे तो आपको सीन बनाकर दे देगा। एंड इट कैन कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स विच विल रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड की स्टोरी है वो आप स्टोरी फिट करोगे टेक्स्ट फॉर्म में और वो आपको सीन बना के दे देगा मूवी के क्या क्या सीन होने चाहिए रियल टाइप में। तो इट कैन क्रिएट द क्रिएटर करेक्टर बना सकता है और ये वाइब्रेंट इमोशन दिखा सकता है उन करेक्टर का। नेक्स्ट इज इनसेट 3DS मिशन। इनसेट 3DS मिशन है, ये फॉलो ऑन मिशन है। तो इट वॉज लॉन्च बाय इसरोज GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखना है कि GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट इज फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, फुली फंडेड है। इसमें चार पेलोड है, एक इमेजर होगा जो इमेज लेगा, साउंडर होगा, डेटा रिले ट्रांसपोंडर होगा और एक इसमें सेटेलाइट एडिट रिसर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल ऑगमेंट द कंट्रीज मेटेरोलॉजिकल, ये जो है सुविधा है उसको ऑगमेंट करेगा, वेदर, क्लाइमेट एंड ओशन रेटेड फोरकास्ट को ये ऑगमेंट करेगा। इसका मिशन लाइफ 10 ईयर है, इनसेट 3DS का मिशन लाइफ कितना है, 10 साल है, ठीक है। एंड ये रिप्लेस करेगा इनसेट 3D एंड 3DR जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको रिप्लेस करेगा ये, एंड क्योंकि इनका मिशन लाइफ पूरा होने वाला है तो ये रिप्लेस करेगा इनसेट 3DS, 3D और 3DR को रिप्लेस करेगा। एंड टू इनहांस द मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस, एटमोस्फेयर, ओशन एंड डाटा कलेक्शन में ये हेल्प करेगा। फीचर ऑफ दिस मिशन क्या है इसमें, तो इसका जो डेटा है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा यूज किया जाएगा, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपोलॉजिकल पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंस्टीट्यूट इसके यूज करेंगे डेटा को। दिस मिशन विल हेल्प इन शॉर्ट रेंज फोरकास्ट ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट में हेल्प करेगा, विजिबिलिटी एस्टिमेशन फॉर एविएशन को हेल्प करेगा, स्टडिंग द फॉरेस्ट फायर्स, स्मोक, स्नो कवर, इनको स्टडी करने में हेल्प करेगा। दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड विच इज ए 3-स्टेज इंजन होती है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ मास कितना था, 420 टन था। नेक्स्ट इज CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एंड ह्यूमन रेटिंग। पानी पी लेता हूं मैं। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, उसकी ह्यूमन रेटिंग क्या है वो इसरो ने कंप्लीट कर ली है। तो इसरो हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन रेटिंग ऑफ CE-20 दिस। तो गगनयान मिशन के लिए इसको यूज किया जाएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को। इट इज डेवलप्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें क्या है, गैस जनरेटर साइकिल यूज किया गया है। तो CE-20 इंजन में, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है उसमें, ये भारत का पहला ऐसा इंजन है जो कि स्वदेशी मेड है, देसी मेड है हमारा जो भारतीय मेड है, जिसमें गैस जनरेटर साइकिल यूज किया गया है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का यूज किया गया है। What is the meaning of human rating? Human rating का मतलब है, it refers to the process of comprehensive evaluation and verification process to ensure that the cryogenic engine is suitable for carrying the human satellite. Human जो space flight mission है उसके लिए क्या है, ये
सुरक्षित है, तो इट इंश्योर दैट द क्रायोजेनिक इंजन है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसको अच्छे से लेके जा सकता है और वापस ला सकता है। तो इट विल इंश्योर दैट द मीट द स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए, वो ये मीट करता है या नहीं। तो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड एंड CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, तो इट इज डिजाइंड है जो CE-20 इंजन है ये डिजाइन है, इट इज डिजाइन टू रिप्लेस द अपर स्टेज ऑफ, इसको यूज किया जाएगा अपर स्टेज ऑफ GSLV-3 यानी कि LMV-3 के अंदर इसके अपर स्टेज में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं GSLV यानी कि GSLV-3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड है, तो GSLV-3 का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड कर दिया गया है। तो इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक इज अपर स्टेज होती है जिसमें क्या है इसका यूज किया जाएगा CE-20 इंजन का। तो LMV-3 इज कॉन्फिगर्ड एज ए 3-स्टेज व्हीकल होती है एंड इसमें 2 सॉलिड स्टेप ऑन मोटर होती है, 1 लिक्विड कोर, एक लिक्विड कोर स्टेज होती है L110 एंड हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है CE-25। तो ये CE-25 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो पेलोड कैपेसिटी, तो LMV-3 की पेलोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी है वो 4 टन है GTO में। तो जो GSLV मार्क थर्ड है या फिर LMV मार्क थर्ड है वो 4 टन का पेलोड है वो डिलीवर कर सकता है जियो सिंक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट में, और 10 टन का जो पेलोड है वो डिलीवर कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। 10 टन इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 4 टन इन GTO। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के लिए कंप्लीट होता है। धन्यवाद।